हमारे नए वीडियो में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एफ और एल्स कैसे काम करता है, हमने नेस्टिंग इफ़ेल्स करके भी देखा था। आज हम कॉटलिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं जो कि है वैन एक्सप्रेशन। वैन एक्सप्रेशन को आप कैसे यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है इफ एल्स एल्स के साथ में कि आपको इफ और एल्स कंडीशन आपको बहुत सारी लिखनी पड़ेगी। अगर आपका लॉजिक जो है वो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतनी ही ज्यादा इफ और एल्स की नेस्टिंग बढ़ती चली जाएगी। जितनी ज्यादा हम उसके साथ में नेस्टिंग करेंगे उतनी ही ज्यादा कोड कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और रीडेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाएगी, कोड पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कॉटलिन का जो वैन एक्सप्रेशन है वो आज हम देखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसका मैं नाम देता हूँ ए, की वैल्यू मैं दे देता हूँ 1। अब वैन में मुझे वेरिएबल पास करना रहेगा जिसके ऊपर मुझे कंडीशंस हमारी चेक करानी है, तो मैंने उसको वेरिएबल को पास कर दिया है वैन को। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि क्या ए की वैल्यू 1 है, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। अगर ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे जो मैं एग्जीक्यूशन लिख रहा हूँ, लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रिंटिंग 1, तो ये एग्जीक्यूट होएगा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर मेरी वैल्यू 2 है तो प्रिंट 2, प्रिंटिंग 2। तो इस तरीके से हम सिंगल सिंगल वैल्यूज को चेक करा सकते हैं। लेट सपोज अगर वैल्यू कुछ कुछ भी नहीं है, लेट सपोज यहाँ पे अगर वैल्यू 6 है, हम 6 वाली वैल्यू का कंडीशन हम चेक नहीं करा रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या वैल्यू हो सकती है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एल्स केस में आपको एल्स केस लिख के अपना कोड लिख देना है कि जो जो भी आपको परफॉर्म कराना है। तो मैंने लेट सपोज यहाँ पे लिख दिया प्रिंटिंग अननोन वैल्यू, द वैल्यू इज नॉट नोन टू अस, सो हम एक अननोन वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, तो ये इस केस में आ जाएगा। ये तो हो गई सिंगल सिंगल वैल्यूज की बात में। लेट सपोज अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज चेक करानी है, मल्टीपल कंडीशन एक साथ चेक करानी है, मल्टीपल वैल्यूज एक साथ चेक करानी है एक ही कोड के लिए, तो मैं कैसे करा सकता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 और 5, कॉमा सेपरेट करके मैं लिख दूंगा। तो अगर यहाँ पे एग्जीक्यूशन इस तरीके से आएगा कि ए अगर ए की वैल्यू 1 है या फिर ए की वैल्यू 5 है तो वो प्रिंटिंग, तो वो यहाँ पे आएगा प्रिंटिंग 1 आएगा। अगर ए की वैल्यू 2 है तो वो यहाँ पे आएगा। अगर वे की वैल्यू इन दोनों में से कुछ और है तो वो एल्स में जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं कि क्या वैन को वेरिएबल पास करना ज़रूरी है, क्या बिना वेरिएबल पास करे हम कुछ कंडीशन चेक करा सकते हैं हीट्रोजीनियस तरीके से, तो वो हम देखते हैं। लेट सपोज अगर वैन को मैं कुछ वैल्यू पास नहीं करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि क्या अगर ए इक्वल्स टू 1 है तो हमें ये, तो लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्रिंटिंग, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट ln और हमारी वैल्यू रहेगी 1। लेट सपोज मैंने सिंपली लिख दिया 1 यहाँ पे। यहाँ पे हम एक और लिख सकते हैं कि अगर a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, एक और कंडीशन हमने चेक करा ली, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट सपोज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। और इसमें भी हम अपना एक एल्स केस डाल सकते हैं अगर कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं होती है, कोई भी कंडीशन पास नहीं होती है तो। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एल्स केस, लेट सपोज मैंने लिख दिया इसको एल्स केस। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि वैन एक्सप्रेशन को हम बिना वेरिएबल के साथ में भी अलग अलग कंडीशन लगा के चेक करा सकते हैं। लेट सपोज अगर मुझे यहाँ पे चेक कराना है, मुझे कोई ऐसी वेरिएबल चेक कराना है जिसका मुझे आइडिया नहीं है कि वो कौन से डेटा टाइप का है, मुझे बस मल्टीपल कंडीशन एक साथ चेक करानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि क्या ए इक्वल्स टू 1 है तो ऐसा करना। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ कि अगर ए इक्वल्स टू अक्षय है, लेट सपोज मैं इक्वल्स टू का यूज़ करता हूँ। अब इक्वल्स टू में ये एरर दे रहा है, ये एरर ये कह रही है कि इक्वल्स टू ऑपरेटर जो है वो कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंटीजर एंड स्ट्रिंग, इस पर नहीं अप्लाई हो सकती है। तो स्ट्रिंग को इक्वल्स टू प्रूव कराने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग का इक्वल्स टू। लेट सपोज मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इक्वल्स टू अक्षय, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए इक्वल्स टू अक्षय। अगर ये ऐसा होता है तो मैं प्रिंट करा के अक्षय प्रिंट करा दूंगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वैन एक्सप्रेशन आपको सिर्फ एक ही डेटा टाइप को कंडीशन चेक कराने के लिए नहीं, बल्कि हिट्रोजीनियस वैल्यूज, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप की वैल्यू भी आप कंडीशन चेक करा सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर था, इंटीजर 1 था, तो ये प्रिंट हो जाएगा। हम इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैं ए को 1 ले रहा हूँ, इसको प्रिंट करा के हम देखेंगे इस कंडीशन में क्या प्रिंट होना चाहिए, 1 प्रिंट होना चाहिए। तो हम 1 प्रिंट करा के देखते हैं, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया है। अब अगर इस वेरिएबल को मैं अक्षय कर देता हूँ, यहाँ पे अब एरर आ रही है हमारे पास, क्योंकि अब हमने ए जो वेरिएबल था उसको एक स्ट्रिंग टाइप का बना दिया है और स्ट्रिंग टाइप के ऊपर अभी हमने देखा था कि इक्वल्स टू नहीं यूज कर सकते हम। तो इसको हम क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू करके मैं इसके अंदर 1 लिख दूंगा, इस 1 को हम हटा देते हैं। अब इसको हम रन करके देखते हैं,
यहाँ पे एक्सेप्टेंट हो गया है। लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं कोई रैंडम वैल्यू लेता हूँ, लेट सपोज लेट मैं 5.0 F फ्लोट वैल्यू ले लेता हूँ, लेट सपोज, अब देखते हैं क्या होता है। ये एल्स केस में चला गया। एक और इंटरेस्टिंग चीज हम वैन के बारे में ये देख रहे हैं कि अगर वैन एक्सप्रेशन से मुझे अपनी कोई वैल्यू बाहर किसी वेरिएबल में रिटर्न करानी है तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ। इसको हम हटा देते हैं एक बार, वापस एक वेरिएबल हम बनाते हैं, लेट इक्वल टू 21 ले लेते हैं हम। यहाँ पे हम एक रिजल्ट वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम हमारा रिजल्ट स्टोर कराएंगे। अब यहाँ पे हमने बोल दिया है कि वैन ए को हम चेक करा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कंपाइलर हमें कुछ एरर कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका वैन एक्सप्रेशन जो है वो एग्जॉस्टिव होना चाहिए, उसके अंदर एल्स ब्रांच आपको यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कोड नहीं चलेगा। तो हमने एल्स ब्रांच यूज कर ली यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब वैन जो है वो एक वेरिएबल को रिजल्ट देना उसकी डिपेंडेंसी बन गई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि वैन एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल को डेटा प्रोवाइड कराना है। अगर हम एल्स एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे और अगर कोई दूसरी कंडीशन जो हमने लिखी है वो पास नहीं होती है तो उस वेरिएबल में क्या जाएगा। इसलिए एल्स लिखना, एल्स केस लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हमने वैन एक्सप्रेशन के बारे में देखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।